मेरा आज के इस वीडियो का टॉपिक है फ्रिज में लगने वाला सिंपल सा बायोमेटल फ्यूज को चेक करने का फंडा भी काफी सिंपल होते हैं। बायोमेटल फ्यूज एक थर्मोस्टेट ही है, उसी तरीके से काम करता है, जो कि मैं इसको आज इस वीडियो में, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट से नए बायोमेटल फ्यूज लेकर गए हैं, उसको आप मल्टीमीटर से या फिर इस तरीके का कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ। देखिए चालू कंटिन्यूटी, बट यहाँ पर इसकी एक वायर दो वायर निकला हुआ है, दोनों वायर के साथ एक एक वायर लगाते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है। तो कंफ्यूजन होता है कि क्या बायोमेटल फ्यूज खराब हो गया है? नहीं, खराब नहीं हुआ है, क्योंकि बायोमेटल फ्यूज बाहर में रखोगे जहां पर काफी ज्यादा ठंड या फिर बिल्कुल माइनस डिग्री टेम्परेचर नहीं है, वहां पर इसकी लाइनिंग नहीं दिखाएगी। अगर आप अपने फ्रिज की बायोमेटल फ्यूज चेक करना चाहते हो तो उसको फ्रिज के बाहर निकालो और कंटिन्यूटी लगा कर देखो, तो अगर कंटिन्यूटी बताता है तो वो खराब है या फिर इसके अंदर पानी वगैरह घुस जाता है, जिसके कारण से बायोमेटल फ्यूज खराब हो जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सिंपल सा फंडा बताया है बायोमेटल फ्यूज चेक करने का। अगर बर्फ में नहीं डूबा है तो कंटिन्यूटी यहाँ पर अगर नहीं बताता है तो ठीक है, और बर्फ में डूबा है और यहाँ पर कंटिन्यूटी बताएगा तो ठीक है। समझ सकते हो, बर्फ के अंदर कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, बर्फ से बाहर कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। इस तरीके से आप फ्रिज की बायोमेटल फ्यूज को चेक कर सकते हो, काफी सिंपल है, बहुत आसान तरीके। वीडियो से जानकारी मिली हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर चलाएंगे नए वीडियो नई जानकारी लेकर।